गलती बिलिंग कंपनी की और भुगत रहे हैं बिजली उपभोक्ता। वहीं जनपद रामपुर में बिजली विभाग में बिलिंग का काम कर रही कंपनी के कर्मचारियों की गलती की सजा उपभोक्ताओं को भुगतनी पड़ रही है। उनके बिजली के बिलों में अचानक रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। अब तक विभाग 70 लाख यूनिट स्टोर रीडिंग पकड़ चुका है, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समायोजित कर दिया जाता है। 4 करोड़ रुपए की बिजली का समायोजन होने के बाद जहां उपभोक्ताओं को तमाम दिक्कतें हो रही हैं, वहीं विभाग बिलिंग कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सका है। शहर में बिजली विभाग के करीब 70,000 उपभोक्ता हैं। विभाग के पास कर्मचारियों की काफ़ी कमी है। ऐसे में विभाग की ओर से अधिकांश काम निजी संस्थाओं के सहयोग से कराया जाता है। इसी में बिजली विभाग की बिलिंग शामिल है। रामपुर का ये काम ब्लू एंड ग्रीड कंपनी को दिया गया है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी उपभोक्ताओं के घर जाकर मीटर से रीडिंग लेते हैं और फिर उपभोक्ताओं के बिल बनाकर दे दिए जाते हैं। ऐसे में बिलिंग कंपनी के कर्मचारियों की बिना मिलीभगत की रीडिंग स्टोर हो ही नहीं सकती। दरअसल कर्मचारी करते ये है कि उपभोक्ताओं से साठगांठ कर कम रीडिंग का बिल बना देते हैं रहते हैं और फिर वे रीडिंग स्टोर होती जाती है। बाद में वही कर्मचारी साठगांठ कर उपभोक्ताओं का मीटर जलवा या फिर गायब करवा देते हैं। रामपुर में विभाग की तरफ से पहले से ही ऐसे मामले पकड़े जा चुके हैं। साल भर की बात की जाए तो इस साल मीटरों में करीब 70 लाख स्टोर रीडिंग पकड़ी जा चुकी है, जो करीब 4 करोड़ रुपए की होती है। हालांकि ये रीडिंग संबंधित उपभोक्ताओं के बिलों में समायोजित कर दी गई। मीटर रीडिंग कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि नियमानुसार कंपनी की जमानत राशि से ये धनराशि कटनी चाहिए। फिर की एक बिलिंग कंपनी का मामला है जो गलत बिलिंग बनाई गई, लेकिन जनता को उसका भुगतान करना पड़ा है। क्या है पूरा मामला जानना चाहेंगे? ये एई मीटर साहब द्वारा बताया गया, जो भी आईडीएफ में मीटर बदले गए हैं उसमें रीडिंग स्टोर निकली है, तो उसमें हमने एनालिसिस किया है। जो मीटर उपभोक्ताओं द्वारा या फिर किसी टेक्नीशियन द्वारा मीटर को नो डिस्प्ले कराकर लंबे समय तक आईडीएफ कर दिया जाता है और बिजली का इस्तेमाल करते रहते हैं, ऐसे मीटरों को जब बदला जाता है तो उसमें रीडिंग स्टोर नहीं होती है। वो रीडिंग काफ़ी मात्रा में, कम से कम 2,500 मीटर हमारे यहाँ पे पूरे रामपुर में आईडीएफ थे, उनको बदला गया है और उन्हीं मीटरों में रीडिंग स्टोर निकली है, तो उन उपभोक्ताओं को चार्ज की गई है। तो कंपनी की गलती है या उपभोक्ता की? हाँ, गलती रही। आईडीएफ मीटर के मामले में कंपनी की गलती नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो साइट पर रीडिंग स्टोर मिलती है उसमें कंपनी गलती मानी जा सकती है। क्या कार्रवाई? उसमें कंपनी की गलती हमने पकड़ते हुए 6-7 मीटर रीडर को बाहर निकाला है। उनकी 1-2 मीटर रीडर की FIR भी करवाई है कंपनी के माध्यम से, टर्मिनेशन कराया है और बाकी कंपनी को भी वार्निंग